तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को बताया था OAPSS के माध्यम से जो इंटरमीडिएट में ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ है, जिन सभी का ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है और जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएंगे या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक दिया गया है अप्लाई करने ऑनलाइन करने का, एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, उसमें कंप्लीट जानकारी बताया गया है कि कौन सा कॉलेज कैसे चूज करना है और कितने कॉलेज को मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, उसमें सभी कंप्लीट जानकारी दिया गया है। तो आप ऑनलाइन करने के लिए आप उस वाले वीडियो को देखकर आप अपना ऑनलाइन कर लेंगे। तो मैं इसमें आपको उस वाले वीडियो में बताया था, वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई के वाला करने के लिए मैं पेमेंट करके नहीं दिखा पाया था, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट का मोड मात्र 2 ही शो कर रहा था, जिसमें आपको पेमेंट ज़्यादा कट रहा था। तो ज़्यादा पेमेंट कट रहा था तो उसका सोल्यूशन क्या है, और जिसका मान लीजिए OTP नहीं आता है तो OTP कैसे आएगा, उन सभी का कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसमें आपको पेमेंट किसी कई लोगों का ऐसा हो रहा है कि पेमेंट कट जा रहा है, पेमेंट कटने के बाद उनका पेमेंट अपडेट नहीं हो पा रहा है, यानी कि सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो पेमेंट सक्सेस कैसे होगा, आपका अगर पेमेंट कट गया है तो पेमेंट सक्सेस कैसे होगा, उसका मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट या जितने भी साइबर कैफे वाले हैं जिनका पेमेंट कट गया है, OAPSS के माध्यम से इंटरमीडिएट में ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और पेमेंट कट गया है, तो आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और पूरा इसमें कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ कि आपको पेमेंट कट गया है तो पेमेंट सक्सेस कैसे करेंगे, और अगर आपका OTP नहीं आ रहा तो OTP को आपको कैसे मंगाना हो, इसका मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने जितने भी सारे फ्रेंड हैं सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनका भी पेमेंट कट गया तो उनका पेमेंट सक्सेस कैसे करना है, इसका मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। तो आप चलिए वीडियो को पेज पर चले आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद सबसे ऊपर हेडलाइन में यहाँ पर लिखा होगा स्टूडेंट लॉगिन, तो यहाँ पर आप आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा ओपन होगा जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो पा रहा है। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट में नामांकन लॉगिन वाला पर क्लिक करेंगे, और लॉगिन वाला पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल कुछ मांगा जाएगा, जैसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड को फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर अभी आपने दिया है अप्लाई करते समय। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड अगर आपका नहीं आया होगा तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉरगेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फॉरगेट करने के लिए आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर में यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर वाले में मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको सेटअप खुद से करना होगा, पासवर्ड सेटअप कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल सारा बता दिया पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए, तो पासवर्ड कैसे करना होगा। इसके बाद यहाँ पर बैक टू लॉगिन पर आएंगे, मैं यहाँ पर लॉगिन करके दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पेमेंट वाला दिखाता हूँ मोड, कि पेमेंट आपका कट गया है या पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट कैसे करना होगा, और पेमेंट आपका कट गया तो पेमेंट आपको सक्सेस कैसे कराना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना डिटेल सारा फिल कर देता हूँ, और डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर पूरा डिटेल इस तरह से दिखाया जाएगा, और दिखाने के बाद यहाँ पर आपको सभी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, पेमेंट करने के लिए आपको आना होगा यहाँ पर डैशबोर्ड के जस्ट नीचे, यहाँ पर थर्ड नंबर में पेमेंट फी का ऑप्शन है, फी पेमेंट का, तो इस पर क्लिक करना होगा। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेमेंट करने का मोड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट का मोड ऑप्शन आने के बाद इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और क्या किया होगा कि आपका जैसे ही आप पेमेंट आपका किए होंगे तो आपका पेमेंट कट जाने के बाद पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ होगा तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिला होगा, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ पेमेंट नोट रिसीव्ड, और पेमेंट आपका कट गया है, पेमेंट वहाँ सक्सेस हुआ है लेकिन आपका रिसीविंग प्राप्त नहीं हुआ, और यहाँ पर आपको पोर्टल में आपको पेमेंट नोट रिसीव्ड दिखा रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि इसके लिए आपको एक ही उपाय है, इसमें लास्ट उपाय कि इसमें केवल आपको अपडेट करना है। यहाँ पर आपका पेमेंट कट गया है तो यहाँ पर अपडेट करेंगे, एक बार फिर से ध्यान देंगे, जो आपने अभी अप्लाई किया होगा अप्लाई करते समय, अप्लाई करते करने के बाद आप पेमेंट किए होंगे, पेमेंट करने के बाद वहाँ पर पेमेंट कट गया होगा, पेमेंट कटने के बाद आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ होगा, तो क्या करेंगे, दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको जो वाला पेमेंट किए होंगे उस वाले टाइम का पेमेंट यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको टाइमिंग और डेट यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जो टाइमिंग और डेट देख लेंगे किस टाइम में और किस डेट में किए होंगे पेमेंट, और यहाँ पर देखने के बाद उसी वाला पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट करेंगे, तो यहाँ पर अपडेट आपको सक्सेस हो जाएगा। आपको इसके लिए आपको वेट भी करना पड़ सकता है 24 आवर के लिए, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे और यहाँ पर अपडेट कर लेंगे, अपडेट करने के बाद तुरंत यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ और पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। चलिए मैं पेमेंट करके दिखा देता हूँ कि पेमेंट कैसे करना है।
यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर केवल मात्र दो ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर इस सब पैसा वाला पर क्लिक करेंगे, इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर पेमेंट का मोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर पेमेंट का मोड ओपन हो चुका है, यहाँ पर 350 रुपये दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट का मोड सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर पेमेंट GST के लिए बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भीम UPI से मैं पेमेंट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, BOB जो लिखा गया है इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 361 रुपया पेमेंट कर रहा है, क्योंकि पिछली बार भी 361 पेमेंट कर रहा था, इसलिए मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखाया था, हो सकता है कहीं चेंज हो सकता है इसलिए मैं नहीं करके दिखाया था, लेकिन अभी तक तो कोई चेंजिंग नहीं किया है, तो लगता है कि इसी पर पेमेंट करना पड़ेगा सभी को। तो आप अपने अनुसार पेमेंट करेंगे, आप जैसा भी देखें, तो मुझे यहाँ पर लगा कि यहाँ पर और चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर पेमेंट मैं कर दे रहा हूँ। तो चलिए, आप पेमेंट 361 रुपया करना हो तो इसके लिए आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको QR कोड जनरेट हो जाएगा, जो आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, फ़ोनपे UPI या किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर फ़ोनपे का यूज़ कर रहा हूँ, तो फ़ोनपे का यूज़ जब तक यहाँ पर करेंगे, जैसे पेमेंट आप करेंगे तो पेमेंट करते समय यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करना होगा। जैसे आप पेमेंट यहाँ पर सक्सेस कर लेंगे, QR कोड इस तरह से स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद अपने मोबाइल में UPI पिन नंबर डालेंगे, और डालने के बाद जैसे ही आप पेमेंट वहाँ पर आपका सक्सेस हो जाता है, तो सक्सेस हो जाने के बाद क्या करना होगा कि आपको वहाँ पर कोई रिफ्रेश वगैरह नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिफ्रेश करेंगे तो आपका पेमेंट कट भी सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए जब तक यहाँ पर पेमेंट सक्सेस नहीं होता है तब तक आप वहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर फ़ोनपे में मेरा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर देखता है मैं पेज पर यहाँ पर कब तक यहाँ पर सक्सेस हो पाता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है किस तरह से, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और वेबसाइट मतलब अच्छा चलना चाहिए, नेट अच्छा होना चाहिए, उस टाइम पेमेंट कीजिएगा। और हमसे मतलब ज़्यादा ये बेटर रहेगा कि आप मॉर्निंग के टाइम में पेमेंट करेंगे, बेटर रहेगा। तो मेरा यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट एक अप्लीकेशन कॉपी है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। तो यही थी अपडेट, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। पेमेंट जिनका कटा होगा, जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड का यूज़ कीजिए, आपका पेमेंट सक्सेस 100% होगा। तो और पेमेंट सक्सेस नहीं होता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर पेमेंट सक्सेस नहीं होता है तब। तो आशा चलिए करता हूँ आप मिलते सभी हैं। को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और मन में किसी भी तरह का सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलेंगे।